6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद यहां पर बेंगलुरु का स्कूल आज नर्सरी के बच्चों के लिए खुल गया। क्लास 1 से क्लास 4 तक के बच्चों ने करीब 4 हफ्ते बाद आज फिर से स्कूल में कदम रखा, लेकिन अभिभावकों के मन में अब भी डर का माहौल है। अभिभावकों के मन में सवाल ये है कि उनके बच्चे यहां पर कितने सुरक्षित हैं। वो अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिला कराने पर भी विचार कर रहे हैं। इस बीच मामले की जांच कर रही पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंगलवार को पुलिस ने स्कूल के स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को ये कहकर रिहा किया था कि उस पर लगे आरोप गलत हैं। हालांकि पुलिस ने स्कूल के 2 जिम इंस्ट्रक्टरों को मासूम के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। और मासूम के साथ हुई खौफनाक वारदात के बाद स्कूल के प्राइमरी विंग में आज उसे पढ़ाई शुरू हो रही है। वहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता शैलजा वर्मा ने। बेंगलुरु में स्कूल के बच्चे के बलात्कार के बाद स्कूल में प्राइमरी क्लासेस तो शुरू हो गए हैं, पर सवाल ये है कि स्कूल में बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल तो आज शुरू हो गए हैं, स्कूल बसेस भी वहां पे पार्क है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से यहाँ आए थे, पर जब हमने बहुत सारे माता पिताओं से बात की थी तो वो लोग बता रहे थे कि अपने बच्चों को स्कूल बेचने के लिए वो तैयार नहीं है, फिर से सोचना पड़ेगा। जैसे कि दो और जिम इंस्ट्रक्टर्स के गिरफ्तार के बाद पेरेंट्स के मन में बहुत ही सवाल उठ रहे हैं कि ये स्कूल वाकई सेफ है कि नहीं। तो अभी देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं, और बहुत ही बच्चों को माता पिता स्कूल से पुल आउट करके दूसरे स्कूल में भी डालने की सोच रहे हैं। तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारे कंसर्न्स और एंग्जाइटी अभी भी बाकी है।